everyone, I hope you all are doing well. So for today's video, I'm going to be sharing with you all a small Nykaa haul, and it is also going to be a review video as well, because many of the products thoda pehle liye the for my brother's wedding. I've also used those products twice or thrice. So basically a review plus haul video hone wala hai. Main bahut zyada cheeze layi hu, thodi bahut si layi hu cheeze. I'm also going to show you ki main wahan se kya kya lekar aayi fatafat se, so that you can have some idea. And yeah, I wanted to do my makeup on my own. So मैं मोस्टली एटीट्यूड या आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, बट ये कुछ चीज़ें थी जैसे हाईलाइटर और कुछ ऐसे मेटालिक आई शैडोज और ये सब उसमें नहीं आता, जैसे मेकअप फिक्सिंग स्प्रे हो गया. सो आई हैड टू बाय दोज प्रोडक्ट्स. तो मैंने सोचा नायका से लेते हैं. एंड या अगर आपको भी कुछ वेडिंग या कुछ अटेंड करना है एंड यू आर लुकिंग फॉर सम गुड ब्यूटी मेकअप प्रोडक्ट्स, जो भी आपको लेना है या कुछ भी, सो आप डेफिनेटली ये हॉल देख सकते हो. इट्स गोना बी यूजफुल फॉर यू. सो या बिफोर बिगनिंग दिस वीडियो, मैं फरहान से आपको दिखा देती हूँ मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई हूँ. ये दो आई शैडो पैलेट्स हैं रेवोल्यूशन के. देन मैं लेकर आई हूँ एक कलर बार का प्राइमर, देन दिस स्विस ब्यूटी मेटालिक आई शैडो एंड मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. एंड देन आई हैव ऑल्सो गॉट दिस कंसीलर एंड लास्टली आई हैव गॉट दिस हाईलाइटर. So yeah, if you want to know in detail about those products, then keep on watching. And yeah, without further ado, let's begin. Okay, so first thing that I've got from there are the eyeshadows. तो मैं उसको दिखाती हूँ. ये Revolution का makeup Revolution का reloaded palette करके है. ये इसकी कुछ shades हैं. I'm gonna just zoom it. So these are few shades. And ये काफी ज़्यादा सही है. इसमें mostly shimmer वाले shades हैं and कुछ light वाले हैं. सो आप इससे अगर आपको मेकअप नहीं आता है, मतलब आप आई शेडो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाते हो, तो आप इसको सिंपली लेके अपने उंगलियों से ऐसे अप्लाई कर सकते हो एंड इट्स गोना लुक गुड. एंड इसके साथ में जो दूसरा वाला आई शेडो पैलेट है, उसमें कुछ थोड़े से न्यूट्रल कलर्स हैं और न्यूट वाले हैं. इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ. भी काफ़ी ईजी मेकअप लुक्स आप क्रिएट कर सकते हो. एंड या मैंने ये पैलेट काफ़ी बार यूज़ कर लिया है एंड इट्स really good and the price is too good. I got these two eyeshadow palettes for 950 only. 950 mein it's a good deal. I think ye off pe tha, 50% off pe, to ye kafi zyada sahi palette mil gaya mujhe. Isme teen aate hain reloaded, 1 2 3. I think this one is 2 or 3. I'm going to just mention the link also in the description. Aap isko check kar sakte ho. Eye makeup that I have done for this video, usme bhi maine yahi wale eyeshadow palettes use kiye hain. I'm also gonna link my makeup look जो अभी मैंने कर रखा है in the description. आप उसको check कर सकते हो. So yeah, it's a good deal for 950 rupees. Now let's just move on to the next product. So that's again a eye makeup वाला product. So this one is from Swiss Beauty and ये वाला जो shade है, this is rose gold retro. It's too good. Like आपका आई शेडो जो आपने लगाया है आई शेडो गेम को, इट्स गोना टेक फ्रॉम हियर टू हियर. तो आपका लेवल ही बिल्कुल आई शेडो गेम चेंज होने वाला है. अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, आपको आई शेडो नहीं लगाने आता, आपको आई मेकअप नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से कोई पैलेट में से कोई कलर ले सकते हो बेसिक सा बहुत ही, उसको पूरे आईलेट पर लगा के एंड देन आधी आईलेट पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो. तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है. जस्ट गोना ओपन इट. तो ये ऐसे आता है और ये काफ़ी इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हो. यू कैन जस्ट डैब इट ऑन योर आईलिड एंड देन यूज योर फिंगर्स टू जस्ट स्प्रेड द प्रोडक्ट. दिस इज हाउ आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट एंड मैंने इसको 3-4 बार यूज़ कर लिया है एंड आई एम जस्ट लविंग इट. सो दिस वन इज फॉर 200 रुपीज. सो 200 में इट्स रियली अ गुड डील. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम नायका इज दिस ये कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर वाटर इरेजमिंग करके है. दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन, सॉरी दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन. एंड इसमें 3 वेरिएंट हैं, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन के लिए भी है शायद एक. तो मैंने ये ड्राई वाला लिया है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है. एंड ये इसमें ऐसे ग्लास पैकेजिंग में आता है एंड इसमें स्प्रे करना है बेसिकली आपको अपने पूरे फेस पे बिफोर अप्लाइंग योर मेकअप. एंड प्राइमर इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे क्या होता है, आपका जो मेकअप है वो एक तो लंबे टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप हो जाता है, प्लस पोज अगर आपके एनलार्ज पोज है तो उसको भी मिनिमाइज करने में हेल्प करता है. मैं प्राइमर यूजली नहीं यूज़ करती हूँ, बट सिंस मुझे मेकअप क्रिएट करना था वेडिंग के लिए, सो आई वॉन्टेड टू यूज़ ऑल द
मतलब जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमें यूज करने ही चाहिए एक मेकअप के लिए. सो दैट इज व्हाई आई बॉट दिस वन एंड आई जस्ट लव्ड इट. सो इट्स रियली गुड. इट इज वाटर बेस्ड प्राइमर बेसिकली. या सो दिस वन इज रियली नाइस एंड इट्स फॉर 850 रुपीज. ये भी सेल में रहता है बट उन्होंने कुछ पंगा कर दिया था उसको डिलीवरी में, तो ये अलग से आया तो वो मतलब डिलीवरी नहीं हो पाई थी, तो आई हैड टू री ऑर्डर दिस प्रोडक्ट. तो ये मुझे 850 का ही मिला. बट अगेन इसमें आपको सेल में काफ़ी कम में मिल सकता है. आई थिंक अराउंड 650 और 700 में आपको ये मिल जाएगा. सो या दैट वॉज ऑल अबाउट द प्राइमर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम देयर इज दिस मेकअप फिक्सर नेचुरल. स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर है एंड इसके अंदर एलोवेरा है. अलॉन्ग विद दैट इट हैज विटामिन ई ऑल्सो. सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस. तो ये एक ऐसी बॉटल में आता है और ये काफ़ी ज़्यादा सही है बिकॉज मेकअप फिक्सिंग इसलिए ज़रूरी है अगर आपको कोई वेडिंग अटेंड करना है कुछ भी, तो बहुत ही लंबे टाइम का होता है लाइक 6 hours 7 hours. घर की वेडिंग थी सो इट वॉज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. लाइक सुबह से तैयार होकर शाम तक मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे वैसे का वैसा ही टिका रहे, तो इसलिए मैंने ये मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लिया था. मैं मेकअप फिक्सिंग स्प्रे भी नहीं यूज़ करती हूँ. जैसे मेरी प्राइमरी सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैं यूजुअली नहीं लगाती हूँ, बट आई वॉन्टेड टू ट्राई देम. उसे मेकअप में मैं देखना चाहती थी क्या फ़र्क आता है. सो माई मेकअप स्टेट मतलब पूरे दिन तक वैसे का वैसे ही रहा था. वैसे भी विंटर वेडिंग थी तो विंटर में इतना पंगा नहीं होता, बट समर्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है. सो फॉर दैट यू नीड एटलीस्ट वन गुड मेकअप फिक्सिंग स्प्रे. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम बजट वाला कुछ मेकअप फिक्सिंग स्प्रे जिसमें आप ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते हो, सो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. एंड दिस इज़ फॉर 250 रुपीज़. मैंने इसका रिव्यू पढ़ के ही लिया था तो काफ़ी सही रिव्यूज़ थे कि इतने प्राइस में बहुत ही सही आपको मेकअप फिक्सिंग स्प्रे मिल रहा है बेसिकली. सो आप इसको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही है. एंड या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम देयर इज दिस L'Oreal Paris Infallible Full Wear Concealer. मेरे पास एक कंसीलर था Maybelline का बट वो ज़्यादा अच्छे से कवरेज नहीं दे रहा था एंड मेरे थोड़े डार्क सर्कल हैं थोड़े, क्या काफ़ी हैं. सो आई हैड टू हाइड देम. सो उसके लिए मैंने ये वाला लिया था. इसका शेड मुझे नहीं ध्यान आ रहा. आई एम गोना जस्ट राइट डाउन द शेड. एंड ये काफ़ी ज़्यादा सही है बिकॉज बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. वो जो मैं अपने Maybelline वाला में जो इरेज आई कंसीलर जो भी उसका नाम है वो जो यूज़ करती हूँ उसे ब्लेंड करने में आई डोंट नो व्हाई बट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्लेंड दैट प्रोडक्ट. बट ये वाला इज़ रियली सिंपल एंड ईजी एंड क्विक, बहुत ही आराम से हो जाता है ब्लेंड. सो या दिस वन इज़ रियली गुड एंड इट इज़ फॉर आई जस्ट चेक द प्राइस एंड टेल यू मुझे कितने का मिला था. सो आई गॉट दिस फॉर 559 रुपीज एंड इसका MRP इज 799. तो मुझे ये मिला था 559 में. सो इट्स अ गुड डील फॉर 559 बिकॉज ये बहुत सही वर्क करता है ये वाला कंसीलर. सो अगर आप कुछ अच्छा कंसीलर ढूंढ रहे हैं सो डेफिनेटली यू कैन बाई दिस वन. एंड नाउ आई एम गोना शो यू द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम देयर एंड बाकी सब कवर हो चुका है. एंड दैट्स दिस Maybelline मास्टर क्रोम हाईलाइटर. मेरे पास हाईलाइटर नहीं था, मैं आई शेडो पैलेट में से लेके एक शिमरी सा शेड था उसी से हाईलाइट कर लेती थी. बट इस बार मैंने सोचा ले लेते हैं हाईलाइटर बिकॉज दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. एंड ये कुछ ऐसा है तो काफ़ी सही सा है ये हाईलाइटर. मैं लगा के दिखाती हूँ, अभी मैं लगा के भी बैठी हुई हूँ बट इतना दिख नहीं रहा है. काफ़ी सही सा है ये भी हाईलाइटर. एंड ये वाला मुझे हाईलाइटर मिला है. I'll just check the price. I got this one for 385 rupees. ये 550 का है, इस पर 30% ऑफ था. मोस्टली प्रोडक्ट पे 30% और 20% ऑफ मिल गया था. मुझे मेकअप फिक्सिंग स्प्रे और प्राइमर इन दोनों के लिए पूरे प्राइस देना पड़ा था. हाँ, क्योंकि उसमें कोई डिलीवरी में प्रॉब्लम हो गया था. तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है. That's all. That's pretty much it. So okay, so that's all for today's video. And I hope you found this video useful. And अगर आपको इसमें से कोई product लेना है, so I'll try to find those products and will link it down in the description ताकि आप उस पर क्लिक करके सीधा वो प्रोडक्ट देख सकते हो. And जब वो सेल पे हो तब आप उसे ले सकते हो because mostly they have some the other sale like sale या कुछ ना कुछ offer जो चलते रहते हैं उस app पे, तो आप ले सकते हो वहाँ से जाके. एंड जनरली मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत सही लगे. मुझे हाइलाइटर उतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगा. मोस्टली लोगों को हाइलाइटर काफ़ी सही लगता है ये जो Maybelline वाला
मास्टर क्रोम है, मुझे ठीक ठीक लगा. ओके ओके. एंड रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट काफी ज्यादा सही लगे मुझे. सो या इफ यू आर लुकिंग फॉर सम बजट फ्रेंडली कुछ अच्छे मतलब ऐसे बेसिक से मेकअप प्रोडक्ट्स, सो आप इनको ट्राई कर सकते हो. एंड अगेन इफ यू वांट टू नो हाउ टू डू दिस मेकअप लुक जो मैंने अभी कर रखा है, सो आई एम ऑल्सो गोना लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन जब मैं उसे कर लूंगी उस वीडियो को अपलोड. बिकॉज पहले मैं ये वाली वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, देन आई एम गोना अपलोड दिस मेकअप लुक वाली video. So yeah, I'll see you super soon, and if you have any suggestions regarding any video that you want me to make, then please let me know in the comment section, and I'll see you super soon. Bye bye.